मुझे रोज़ रोज़ याद दिलाना पड़ेगा कि हम नौ बजे डेली करंट अफेयर्स करते हैं या फिर आई थिंक नाउ बाय नाउ वी शुड हैव लर्न इट एंड यू शुड एक्चुअली बी अवेलेबल हेयर हर रोज नौ बजे आई थिंक दैट्स अ सेटल सिचुएशन मुझे रोज़ रोज़ याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम रोज रात को नौ बजे डेली करंट अफेयर्स करते हैं स्टडी आई के यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरे के पूरे दिन के करंट अफेयर्स आई थिंक दैट्स अ सेटल सिचुएशन राइट मैं फिर भी नोटिफिकेशन भेज दिया करूंगा टेलीग्राम चैनल में बट आई बिलीव अब याद दिलाने की जरूरत नहीं है ऑल्सो जो चीजें रिपीटेटिव है मुझे बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आप लोग खुद ही बेसिकली अब कुछ चीजें जान चुके हैं लेट्स से मैं बताता रहता हूँ और आप खुद ही उसको फिलअप कर दीजिएगा

जो सक्सेस इन प्रीलिम्स का जो कोर्स है अगर आप उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप स्टडी आई क्योंकि अमित लाइव कोड यूज करना पड़ता है अब मैंने ये बात सिर्फ और सिर्फ आज इस बार समझाने के लिए दोबारा से की है कि मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि नाउ वी आर डन विद दिस आई थिंक वी आर ऑलरेडी डन विद दिस अब हमें यह बात पहले से पता चल चुकी है ये मुझे रोज रोज रिपीट नहीं करनी चाहिए आप लोग शायद इस चीज को समझ चुके हैं सिमिलरली 9 बजे हर रोज हमें यहां पर प्रेजेंट होना है करंट अफेयर्स करने के लिए प्रॉमिस एग्जैक्टली नाउ लिसन टू मी समथिंग अबाउट इट गशत ए इरशाद क्या नाम है ईरान ईरान नाम का जो हमारा एक देश है वहां पर एक मोरालिटी पुलिस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है और उसको उनकी भाषा में कहा जाता है गश्त ए इरशाद ये वो वाला इर्शाद नहीं है जो कि शेर आ, सुनाने के बाद बोलते हैं या शेर सुनाने से पहले बोलते हैं इट्स मोरालिटी पुलिस बेसिकली समाज के अंदर मोरालिटी बनी रहे उस चीज को अप्रूव करने के लिए उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए देर इज अ पुलिस देर यूज टू बी अ पुलिस इन ईरान जिसको कहते थे गश्त इर्शाद अब ईरान ने इसको अबोलिश कर दिया ईरान हैज हेज अबोलिश मोरालिटी पुलिस क्यों भाई क्योंकि पिछले कई महीनों से ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एक महिला थी जिनका नाम है जिना महेशा अमीनी जिना महेशा अमीनी वो अरेस्ट हो गई थी और उनकी डेथ हो गई स्पेसिफिकली क्यों क्योंकि उन्होंने अपना हिजाब जो है वो इनकरेक्टली पहन रखा था सो यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ईरान में एक मोरालिटी पुलिस है जो कि बेसिकली वहां पर पेट्रोल करती है या फिर बेसिकली गश्त करती है पब्लिक uh, एरियाज में वहां पर देखती है कि कौन सी महिला मॉडेस्टली है अगर कोई मॉडेस्टली होती है तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं है. uh, uh, हिजाब गलत तरीके से पहना हुआ था तो जो ईरान की मोरालिटी पुलिस थी उन्होंने उनको अरेस्ट करने की कोशिश की इस दौरान उनको कुछ चोटें आई जिससे उनकी डेथ हो गई व्हेन दिस बेसिकली ईरान में

ईरान की जो रिस्ट्रिक्शन हैं बिहेवियर और क्लोदिंग पे पब्लिक में मतलब कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक है और इस्लाम के अकॉर्डिंग वो बेसिकली कुछ रूल्स टेनेंट्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करता है तो जो रिस्ट्रिक्शन पब्लिकली ऐसे बिहेव नहीं नहीं करना चाहिए चाहिए या इस प्रकार से कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उन रिस्ट्रिक्शंस को पब्लिकली इंप्लीमेंट करने के लिए कि कोई उनके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा तो हिजाब पहनकर ही बेसिकली पब्लिकली बाहर जाना है तो अगर कोई नहीं पहन के जाएगा सो दिस पुलिस विल एक्चुअली फाइंड दैट पर्सन आउट लुक फॉर दैट पर्सन और बेसिकली उसको अरेस्ट कर लेंगे बेसिकली कल्चर ऑफ मोडेसिटी और हिजाब जो है जो कि हिजाब का मतलब जो है कि uh, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनको बेसिकली अपना पूरा का पूरा हेड कवर करके रखना चाहिए एज ए सिंबल ऑफ द मोडेस्टिक मोडेस्ट रहे हैं इसके अंदर बेसिकली दैट इज द बेसिक दिडिया अबाउट इट मोरालिटी पुलिस आल्सो बेंस टाइट ट्राउजर्स सेफ हियर रिप्ड जींस ओके आई वुड बी अरेस्टेड बाई द मोरालिटी पुलिस इन द ईरान राइट नाउ बिकॉज आई एम वियरिंग रिप्ड जींस एंड द ब्राइटली कलर्ड आउटफिट्स

मोरालिटी खतरे में आ जाती है पूरे के पूरे समाज की ऐसा ईरान की मोरालिटी पुलिस मानती है बोथ मेन एंड वुमेन ऑफिशियल्स आर पार्ट ऑफ द मोरालिटी पुलिस तो बेसिकली जैसे पुलिस में महिलाएं भी होती हैं और मतलब मेल्स भी होते हैं दोनों के दोनों बेसिकली मोरालिटी पुलिस के पार्ट होते हैं ना लक्ष्मी सिंह गश्त एक बार ध्यान से सुनिएगा कि ईरान में हो क्या गश्त इरशाद पेट्रोल्स यूज अ वैन विध बोथ मेल एंड ए फीमेल एक फीमेल होती है जैसे पुलिस के में वो वैन में होंगी और मेल भी होंगे दोनों के दोनों अब ये क्या करते हैं दे स्टैंड कहीं पब्लिक प्लेस में किसी चौराहे पर जाके खड़े हो जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं लोगों को बिजी पब्लिक प्लेसेस में कि कौन सा इंडिविजुअल कौन महिला मोडेस्टली मॉडेस्टली है या नहीं है मैं इनका जॉब प्रोफाइल डिस्कस कर रहा हूं दिस इज नॉट इवन अग दिस इज एक्चुअली ट्रू एंड देर मैनर एंड अदर ड्रेस ये नहीं है कि हिजाब पहनना है हिजाब भी प्रॉपरली पहनना है कि कहीं से थोड़े से बाल बाल ना दिख जाए ये हमारी ईरान की मोडेस्टी पुलिस का 2005 से लेके 2022 तक काम था Imagine, जस्ट इमे गोलगप्पे खाने गए थे कभी अभी पिछले हफ्ते गए हो दो हफ्ते पिछले महीने गए हो पिछले छह महीने में तो कभी ना कभी गोलगप्पे खाने गए हो तो so, तुम इमेजिन करो ईरान में पे बैठ के आराम से अपने गोलगप्पे खा रहे हो और गलती से तुम्हारे चेहरे जो तुमने हिजाब पहना था दुपट्टा अंदर अंदर, the उनको दुनिया से नफरत है वो दूसरे के जो जीवन में जो सुख है उसके अंदर टांग अड़ाने के लिए पैदा हुए है ये देखेंगे कि अरे ये गोलगप्पे खाते हुए इसके तो बाल दिख गए वाई बिकॉज ही द पर्सन वॉज नॉट मॉडर्स्टली ड्रेस ये बेसिकली इनका काम था अच्छा यह क्या प्रॉपर है वर्ड इज प्रॉपर प्रॉपर ड्रेस क्या है मॉडर्स्ट ड्रेस कौन सी नहीं है ये नहीं है ये पेट्रोल एजेंट के ऊपर स्पेसिफिकली है अलग अलग कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली इसको इंप्लीमेंट uh, करने की कोशिश करते हैं जैसे कि नॉर्मल वाली वही लॉ वाली बात है कि कुछ नॉर्मली कर रहे हैं कोई बिल्कुल स्ट्रिक्टली हल्का सा भी बेसिकली थोड़ा सा भी कुछ डिसरिगार्ड हो गया सो दे एक्चुअली एंड अपर दी हिजाब थोड़ा सा छोटा हो गया मेकअप किसी ने ज्यादा लगा लिया मतलब कि लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा पिंक की बजाय रेड लगा लिया तो बेसिकली अरे दिस इज ट्रू दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट या दिन्रेड से दो हजार बाईस के बारे में बात कर रहा हूँ ईरान में ऐसा होता था अक्टूबर में ऐसा होता था सेप्टेंबर में और दो हजार इक्कीस में भी ऐसा हो रहा था और दो हजार पंद्रह में भी ऐसा हो रहा था दो हजार बारह में भी ऐसा हो रहा था दो हजार छह में भी ऐसा हो रहा था दे डिटेन विमेन पुलिस स्टेशन पर लेके जाते हैं करेक्शनल फैसिलिटी और सेंटर वेयर दे आर टोल्ड हाउ टू ड्रेस सो so, ईरान में कोई लड़की या कोई महिला बेसिकली शाम को बाहर गई है किसी काम से और कहीं ध्यान नहीं रहा थके हुए हैं कुछ हो गया परेशान है और गलती से उसने हिजाब ऊपर नीचे हो गया उसका सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनकी दोबारा से री एजुकेशन चले मॉडेस्ट कैसे रहा जाए दे आर देन यूजुअली ऑलवेज रिलीज ऑन द सेम डे टू मेल रिलेटिव ब्रिंग दी प्रॉपर क्लोथ फॉर देम और उसके बाद बेसिकली उनके घर के किसी मेल मेंबर्स को बुलाया जाएगा याद रखिए मेल मेंबर है मतलब ये गलती से नहीं लिखा हुआ है दिस इज ट्रू मेल मेंबर आएंगे उनके लिए प्रॉपर क्लोथ्स लेके मतलब कि और ज्यादा ढकने वाले और फिर बेसिकली उनको घर पे लिए छोड़ दिया जाएगा ये गश्त इर्शाद बेसिकली अब अबोलिश कर दी गई है दिस जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे ये जो मोरालिटी पुलिस है दिस हैज बीन है ठीक है रूल्स नहीं बदले हैं द रूल्स वुड भी सेम कि महिलाओं को पब्लिक में जाएँ तो ये बिहेवियर रखना है बेसिकली हिजाब पहन के जाना है सिर को कवर करके जाना है और ब्राइटली कलर्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए ये सारे के सारे रूल्स महिलाओं पर भी अप्लीकेबल है मेल्स पर भी अपलीकेबल है मेल्स पर बेसिकली थोड़े से कम स्ट्रिक्ट अप्लाई होते हैं फीमेल्स पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्लाई होते हैं सो दिस विल गोन द लॉ वो लीगली वैसे ही रहेगा बट ये मॉरेलीटी पुलिस वेरी स्पेसिफिकली इसको अबॉलिश कर दिया गया वेयर इट इज इन द ईरान अब ईरान की जो प्रेजेंट सिचुएशन है दिस एक्चुअली बिगिन इन द नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन

नाम याद करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बट मोहम्मद रजा शाह पहलवी ये राजा हुआ करते थे 1941 से मोनार्क थे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्टर थे और उनके सपोर्ट से ही बेसिकली इतने लंबे समय तक 1941 से लेकर 1979 तक कंटिन्यूअसली मोनार्की या राजा की तरह बेसिकली ईरान पे रूल कर रहे थे ड्यू टू दर्कमस्टांस ऑफ द टाइम द रेवोल्यूशन बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन टाइम हैपन और रेवोल्यूशन हो गई अब वो रेवोल्यूशन बेसिकली पूरे के पूरे इतिहास में क्या मिडल ईस्ट के इतिहास में एक वाटरशेड इवेंट के तौर पर देखा जाता है एक काइंड ऑफ वेस्टर्न लिबरल सपोर्टर सपोर्टेड जो गवर्नमेंट थी मोनार्की वाली वो टॉपल कर दी गई बाय एन इस्लामिक आइडिया और एक नया इस्लामिक कंट्री बेसिकली स्टेब्लिश कर दिया गया ये जो रेवोल्यूशन है इस्लामिक रेवोल्यूशन बड़ी काफी यूनिक मानी जाती है क्योंकि यूजुअली जो रेवल्यूशन होती हैं वो सिविल वॉर की वजह से वायलेंस की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स uh, की वजह से इन सब मतलब uh, चीजों की वजह से होती है बट ये ऐसे समय में हुई थी जब देश भी प्रॉस्पर कर रहा था मोरलेस लिबरलिज्मन लिबरलिज्म वॉज बेसिकली मोरलेस और वेस्टर्न लिबरल लिबरल सॉरी

सपोर्टर था तो यूएस के लिए एक सेटबैक था क्योंकि उनका सपोर्टेड जो राजा था वो बेसिकली हटा दिया गया था दैट वॉज वन और इस्लामिक रिपब्लिक ईरान एक्चुअली टुक बर्थ एज ए न्यू एनिमी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान एंड रेवोल्यूशन ड्रामेटिकली ऑल्टर मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स लकीली हमारे इतिहास में या फिर हमारे लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है बट एज इन कई बार कुछ चीजें होती हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है ना ही पूछी जाएंगी ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है किसी भी पर हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए आने वाली ईरान से संबंधित किसी भी न्यूज को कभी भी समझे तो कि ईरान में क्या होता है क्यों होता है आप जब भी ईरान के बारे में पढ़ेंगे तो वो हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट में पढ़ेंगे यू विल सी इट एज अ राइवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो ये राइवेलिटी की जो कहानी है ये स्पेसिफिकली नाइन के बाद बिगिन बिगिन हुई है 79 में होने के बाद वहां पर इस्लामिक uh, जो रिपब्लिक स्टेब्लिश हुआ देन द न्यू गवर्नमेंट उन्होंने जो इस्लामिक रूल्स होते हैं इस्लामिक uh, के जो ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं कंजर्वेटिव रूल्स होते हैं उनको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और उससे पहले जो जो वुमेन राइट्स थे उनको बेसिकली थोड़े थोड़े से रिस्ट्रिक्शन लाने स्टार्ट कर दिए उन्नीस से उन्नीस में वेन रजा पहलवी वॉज बेसिकली रूलिंग द ईरान ईरानियन वुमेन्स राइट मूवमेंट के पास कई सारी विक्ट्रीज आई थी महिलाओं को उन्नीस में वोट करने का अधिकार मिल गया दे वर अलाउ टू टेक पार्ट इन दब्लिक ऑफिस ऑल्सो उन्नीस सौ में फैमिली प्रोटेक्शन लॉ ने ये अधिकार दे दिया था विमेन को कि डाइवोर्स और कस्टडी राइट्स और पॉलीगेमी यानी कि एक से ज्यादा महिलाओं से विवाह कर लेना उसके अंदर भी थोड़ी सी रिडक्शन आई थी

बिकॉज वट एल्स विल यू एक्सप्लेन इट सो उसके बाद से इनके जो ईरान में वुमेन जो राइट्स हैं वो थोड़े से रिस्ट्रिक्ट होने लगे कई सारे लॉ हैं मैंडेटरी वेलिंग बुरका पहन के रखना पर्दा रखना है पब्लिक ड्रेस कोड बना दिया गया है वुमेन के लिए वुमेन पर्टिकुलर ड्रेस कोड में हिजाब के बिना तो बेसिकली बाहर जा ही नहीं सकती हैं ठीक है सो ऑन एंड ऑन अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने अच्छे लकी हैं और हम किस देश में रह रहे हैं किस सोसाइटी में रह रहे हैं और अभी भी कमियां हैं बट प्रोग्रेसिव हो रहे हैं बट थिंक अबाउट इट जब अगर हम इसको देखेंगे सबसे पहले तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान वुमेन जब तालिबान रिजीम हुआ करता था पुराने वाला 2002 से पहले अमेरिका के अटैक करने से पहले तो महिलाओं को बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अब दोबारा से हो गई सो द कैन नॉट एक्चुअली वर्क इन तालिबान तालिबान रिजीम के अंदर ठीक है और उनको एजुकेशनल अधिकार भी नहीं है मतलब बेसिकली उनको तालिबान रिजीम को लगता है कि बेसिकली महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए अनपढ़ वाली बातें कर रहे हैं यार ये लोग और ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नहीं दिस इज द सिचुएशन बेसिकली तालिबान ने और भी नए रिस्ट्रिक्शंस वेमेन ड्रेस के ऊपर उनके कोड उनके कंडक्ट उनको क्या पहनना चाहिए क्या करना चाहिए कैसे बिहेव करना चाहिए उसके ऊपर भी बड़े सारे से रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं तालिबान रजीब ने सऊदी अरेबिया के बारे तो में बात करें सऊदी अरेबिया अलाउड वुमेन टू वोट स्टार्टिंग इन टू थाउजेंड में सऊदी अरेबिया ने निर्णय लिया कि जो किसेंट ऑफ द पॉपुलेशन है इसको भी वोट करने का अधिकार है एंड दे ऑल्सो अलाउड वुमेन टू ड्राइव रिसेंटली एक दो साल पहले सऊदी अरेबिया डिसाइडेड कि वीमेन आल्सो कैन ड्राइव मैं थोड़ा सा परेशान हूं आज की न्यूज से ओके okay? बट मैं फिर भी बताता रहता हूं चलिए थोड़ा सा आई हैव अ जोक ऑन दी ड्राइविंग स्किल्स ऑफ वुमेन बट दैट वुड बी अ बैड जोक राइट नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज सो वी विल स्किप इट इजिप्ट इजिप्ट में एक मैरिड वुमेन कैन लीव दर्ज इज अलाउडन में अगर कोई महिला, घर से अपने बिना पति के, के परमिशन से बाहर चली जाए तो उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट का अधिकार ही छूट जाता है परमिशन जो है वो ओरल ली जाएगी आपके अकॉर्डिंग मतलब क्या बोलेगा हाथ जाओ और वो चली जाए आगे कोर्ट में यह आदमी कहते मैंने तो बोला ही नहीं था हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव इट बट बट दीज आर दी लॉ बट ये करते उधर विश्व में इस समय 32 से अधिक कंट्रीज हैं, 32 32 से अधिक नहीं कंट्रीज हैं जहां पर हस्बैंड की परमिशन की जरूरत पड़ती है टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट और अगर हस्बैंड की नहीं होती है तो जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको बेसिकली फादर की पड़ती होंगी दैट इज द्वाइंट अवर इसराइल में वुमेन नीड्स हस्बैंड परमिशन टू गेट अ डिवोर्स लुक एट इट डिवोर्स होता किससे है हस्बैंड से राइट डिवोर्स किससे लिया जाएगा हस्बैंड से और डिवोर्स लेने की परमिशन किससे ली जाएगी क्या जा जीनियस क्या सोच समझ के लॉ बनाया गया है ये क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट छियासी से भी अधिक ज्यादा कंट्री है जहां पे महिलाओं को किसी ना किसी प्रकार की जॉब रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ती है और पिचानवे कंट्रीज हैं जहां पर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क गारंटी नहीं की जाती लेडीज व्हाट इज एंड हाउ आर यू गेटिंग योर राइट बैक बेटा कैसे क्रांति करनी पड़ेगी बेटा अधिकार छीन के लिए जाते हैं लोग नहीं देंगे आप लोगों को ये क्या चल रहा है दूसरे देशों में ओके व्हाट वी आर टॉकिंग इज दैट कि हम वुमेन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम इस समय स्टडी uh, कर रहे हैं कि बेसिकली

ड ऑफ प्रॉब्लम दैट एक्चुअली रिमेन्स ऑल्सो सो जो गश्त इर्शाद है वो तो बेसिकली अब अबॉलिश हो गई है वेरी स्मॉल विक्ट्री इन द राइट्स ऑफ द वुमेन मैं थोड़ा सा परेशान देखिए आई एम एन इमोशनल पर्सन और बेसिकली मैं जब ऐसी परेशानी वाली न्यूज़ पढ़ता हूँ तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ परंतु हमारा फोकस जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर रहना चाहिए हमें भटकना है अपने पर्पज से पोस्टल बैलेट के बारे में बात करते हैं पोस्टल बैलेट होता क्या है गुजरात के हिमाचल प्रदेश के और दिल्ली के एम के इलेक्शन हुए हैं तो आजकल जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्शन से रिलेटेड कई सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट आइडियाज़ आपके दिमाग में आते रहेंगे तो उनको रिवाइज कर लेते हैं पोस्टल बैलेट के बारे में पोस्टल बैलेट होते क्या हैं एक बार ज़रा समझ लेते हैं ये बेसिकली आपके सामने एक सैंपल है अगेन आपने सुना होगा ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आप में से कोई कभी पोल में वोटिंग करने के लिए गया है विधानसभा इलेक्शन में या फिर लोकसभा इलेक्शन में तो आप जानते होंगे कि अभी वोट जो होती है वो एक मशीन के द्वारा की जाती है जहां पे आप अपने अपने जो भी आपको प्रतिनिधि को चुनना है आप बेसिकली उसके अंदर बटन दबा देते हैं और वो बेसिकली वोट हो जाती है सो इट इज काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकिन देर आर सर्टन सिचुएशन जहां पे ऐसे कागज के बैलेट पेपर पर भी बेसिकली कई कुछ लोग जो है वो कागज़ के बैलेट पेपर पर भी साइन लगा के अपनी बेसिकली वोटिंग करते हैं या वोट करते हैं जिनको कहा जाता है पोस्टल बैलेट द वर्ड पोस्टल मतलब जिसको पोस्ट किया जा सके और बैलेट मतलब कि ये बैलेट पेपर जहाँ पर सारे के सारे जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उन सबका नाम और उनका सिम्बल लिखा रहता है सवाल ये है कि जब ये इलेक्शंस होते हैं तो कुछ वोटिंग तो होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के द्वारा और कुछ वोटिंग होती है इन पोस्टल बैलेट्स के द्वारा इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि जब जिस दिन गिनती स्टार्ट होती है चुनावों वो, की उस दिन सुबह पहले पोस्टल बैलेट खोली जाती हैं और फिर उसके बाद उसकी स्टार्ट होती है जनरल इलेक्शन तो, तो विधानसभा के और लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें वोटिंग में काउंटिंग के समय में पहले पोस्टल बैलेट्स काउंट होते हैं और उसके बाद प्रिसाइसली इलेक्शन कमीशन के रूल कहते हैं कि पोस्टल बैलेट्स पहले काउंट होंगे विद ईवीएम फॉलोइंग ए मिनिमम ऑफ हाफ एन आवर आफ्टर काउंटिंग ऑफ दी पोस्टल बैलेट्स बिगिन। तो पहले सुबह सुबह नौ बजे या साढ़े नौ बजे जब इलेक्शन कमीशन काउंट करना स्टार्ट करता है तो पहले आधे घंटे पोस्टल बैलेट्स काउंट होते हैं और फिर दोबारा से फिर ईवीएम भी खोल दिए जाते हैं आप कभी भी नोटिस कीजिएगा इंटरेस्टिंग सुबह सुबह आप न्यूज चैनल्स खोलिए उस दिन वो रुझान बताते हैं कि भाई इसमें ये पार्टी आगे चल रही है इसमें ये पार्टी आगे चल रही है और ओपनिंग में स्टार्टिंग में जो पहले आधे घंटे का या पहले एक घंटे का होता है वो सबसे ज्यादा डाइसी होता है रीजन बींग क्योंकि वो जो पहले रुझान होते हैं जो अर्ली ट्रेंड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट्स के बारे में या उसकी जो काउंट इंगुए उससे बता रहे होते हैं बाद में जब ईवीएम खुल जाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड आंसर मिलने की संभावना रहती है पोस्टल बैलेट करते क्यों हैं सर ईवीएम से ही कर दो अगर ईवीएम है ही तो पोस्टल बैलेट वो फैसिलिटी है जिसमें कोई भी वोटर अपनी वोट कास्ट कर सकता है रिमोटली उसको बेसिकली इस पोस्टल पेपर के अंदर अपनी प्रेफरेंस रिकॉर्ड करके ऑफिशियल बैलेट पेपर जो कि मैंने आपको सैंपल दिखाया और उसके बाद वो वापस भेज देता है रिटर्न रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग बिगिन होने से पहले तो जैसे गुजरात के इलेक्शन थे उनकी काउंटिंग हुई थी 8 8 दिसंबर दिसंबर को को राइट काउंटिंग हुई है तो काउंटिंग लेस से कि सुबह नौ बजे स्टार्ट होती है नाइन ए तो सुबह नौ बजे से पहले पहले जो पोस्टल बैलेट अपना भेज देगा उसका बेसिकली काउंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ओनली ए रिस्ट्रिक्टेड सेट से तुम नहीं कर सकते यू कैन डू इट

इस बिना पर इस शक पर कि ये आदमी बाद में कुछ गड़बड़ करने की संभावना कर सकता है तो ये करे ना तो इसको पहले ही पकड़ लो तो ऐसे जो इंडिविजुअल है प्रिवेंटिव इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया लेकिन इन्होंने क्राइम करने की संभावना थी तो तो इसलिए हमने पकड़ लिया पीपल आर एलिजिबल टू वोट वोट ये ये कैसे करते हैं ओनली पोस्ट बहाना नहीं मार सकते कि मैं वोट करके आऊंगा तुमको पकड़ा इसलिए गया है कि कहीं तुम वहां पर जाकर कलेश ना कर दो वहां पर जाकर रायट ना कर दो तो तुम यहीं से वोटिंग कर दो पोस्टल वोटल के द्वारा स्पेशल वोटर्स हैं जनरल इलेक्शन के समय में यूजली प्रेजिडेंट की फोटो आती है कि प्रेसिडेंट की वीडियो आती है कि प्रेजिडेंट ने जाके खुद वोट कास्ट किया मतलब अवेलेबल है दे कैन टेक इट एक फॉर्म है फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद दे कैन ऑल्सो ऐसा नहीं कि कंपल्सरी मतलब अगर वो अवेलेबल है तो वो जा सकते हैं अगर वो चाहें तो वो इसको स्पेसिफिकली ले भी सकते हैं एबसेंटिव वोटर्स जैसे कि रेलवे एम्प्लॉयज अब भाई गुजरात का कोई इंडिविजुअल है अगर वो रेलवे में सेलेक्ट हो गया लेकिन उसकी पोस्टिंग रेलवे से कहीं बाहर हो गई तो क्या करेंगे वो भी अपनी वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के द्वारा एबसेंटी वोटर्स आर अनेबल टू फिजिकली कास्ट देयर वोट ड्यू टू देर सर्विस कंडीशन ठीक है तो इसीलिए स्पेसिफिकली अच्छा इलेक्शन कमीशन ने अभी भी रिसेंटली पीपल विद डिसबिलिटीज या जो कोविड नाइन्टीन के दौरान क्वारेंटाइंड है बाहर नहीं जा सकते हैं उनको कोविड हो रखा है उनको भी अवेलेबल करा रखा है सिर्फ ये जजमेंट लेनी है कि कौन कौन इंडिविजुअल है जो कि पोस्टल बैलेट का हेल्प ले सकता है नहीं ले सकता पोस्टल बैलेट्स को काउंट करने के बारे में मैंने बता दिया कि एक रूल है इलेक्शन कमीशन का कि जब सुबह सुबह वोटिंग काउंट होना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है एग्जैक्टली दे जस्ट मेड द रूल दर इज नो रीजन फॉर इट बिल्कुल कम होते हैं दे आर वेरी लेस राइट सारे के सारे जो लोग होते हैं ज्यादातर वो तो इलेक्ट्रॉनिकली पोल स्टेशन पोलिंग स्टेशन पर ही वोट करते हैं अगर हम देखें तो आर ऑब्वियसली वेरी लिमिटेड वेरी रिस्ट्रिक्टेड कि पोस्टल से खत्म कर लेना चाहिए uh, होती है जितने भी रिजेक्टेड और वैलिड पोस्टल बैलेट होते हैं इनको सेपरेटली रख दिया जाता है सील्ड पैकेट के अंदर और कभी जरूरत पड़े रिकाउंट करने के लिए तो रिकाउंट भी कर दी जाती है like, uh, क्या नाम है इलेक्शन कमीशन के रूल मैंडेट करते हैं कि अगर विक्ट्री मार्जिन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट है देन शुड बी बी ऑफ ऑल पोस्टल मतलब कि जैसे कैंडिडेट कैंडिडेट ए है है इसको वोट मिले हैं और इसको मिले हैं लेट्स से अड़तालीस हजार ठीक है और पोस्टल बैलेट आए थे चार हजार तो दोबारा से रीवेरीफाई करो एक बार चेक करो गलती तो नहीं होगी पूरा का पूरा सो so अगर जो इस क्योंकि इसका विक्ट्री मार्जिन सिर्फ दो का हो गया और उसमें से चार तो पोस्टल बैलेट ही है तो रूल्स है इंटरेस्टिंग रूल है पोस्टल बैलेट पहले काउंट होते हैं अगर किसी दो कैंडिडेट्स का विक्ट्री मार्जिन पोस्टल बैलेट से कम है मतलब जितने पोस्टल बैलेट आए थे उससे कम विक्ट्री मार्जिन चार हजार पोस्टल बैलेट आए हैं लेकिन विक्ट्री मार्जिन सिर्फ दो हजार वोट रीवेरीफाई तो होंगे ऑब्जर्वर और रिटर्निंग ऑफिसर जो है दे विल री वेरीफाई टेली ऑल दी पोस्टल बैटल जो रिजेक्ट हुए थे उनको काउंट करेंगे जो वैलिड थे उनको काउंट करेंगे दोबारा से काउंट करेंगे और फिर दोबारा से रीवेरिफिकेशन करके ऑब्जर्वर और आर फाइनलाइज कर देंगे रिजल्ट को और पूरे के पूरे सिस्टम को वीडियोग्राफिंग करेंगे वीडियोग्राफ करते वक्त इस तरीके से वीडियोग्राफ करना है कि कोई ये ना देख पाए कि किसने क्या वोटिंग की है कॉम्प्रोमाइजिंग द सीक्रेसी ऑफ द बैलेट और वीडियो कैसेट जो है फिर उसको बेसिकली सेपरेट सील्ड एंडवलमेंट करते हैं वॉट अ प्रोसेस व्हाट अ प्रोसेस मतलब ये इलेक्शन कमीशन मैं वैसे एक बात बताता तो हूँ दिल से अंदर अंदर की बात है आप लोगों के और मेरे बीच में रखना किसी को बताना मत इलेक्शन कमीशन जो काम करता है ना इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो फिनोमिनली कुछ और ही लेवल का है हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है नब्बे करोड़ लोगों को वोट कराना ऑलमोस्ट हर पांच साल के बाद और पांच साल के, के बाद बीच बीच में ये विधानसभा वाले भी होते हैं इट्स जस्ट अ मैसिव एक्सरसाइज एंड एंश्योरिंग ये ट्रांसपेरेंट हो एंश्योरिंग ये ऑनेस्टली होन्श्योरिंग ये इसमें फ्रॉड ना हो द प्रोसेस देव टू फॉलो द नंबर ऑफ एम्प्लॉइजरसाइज इज आई डो नॉट है मेरी वो कैब खत्म हो गई है टू एक्चुअली अप्रीशिएट वट इलेक्शन कमीशन डू ई संजीवनी एंड्रॉयड अगर आपके पास फोन है तो उसमें एक ऐप आती है जिसका नाम है ई संजीवनी और इस एप के द्वारा आप टेलीमेडिसिन आप फोन पे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं पर्टिकुलरली देखिए मैं बताता हूं ई संजीवनी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसमें फ्री फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस मिलती है और इन्होंने आठ करोड़ से भी अधिक टेली कंसल्टेशंस कर लिए हैं कहने का क्या मतलब है देखो सरल मदर टेली मेडिसिन का एक जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आप एक फ़ोन नंबर लेंगे आप फ़ोन पर कॉल करेंगे और उस फ़ोन पर कॉल करके पूछेंगे कि मुझे बुखार हो रखा है मुझे मेरी तबीयत ख़राब है मेरे पेट में दर्द है मेरे दिल में दर्द है और दिल के दर्द की तो कोई दवा नहीं होती है और ये टेली मेडिसिन तो इस दिल की जो है दुख है इसको कभी हेल्प कर नहीं पाएगा क्योंकि तो दिल की जो दिल की कोई दवा नहीं है दिल के दर्द की कोई दवा नहीं है टेली मेडिसिन के पास ह गया मैं कहीं और चला गया ना टेलीमेडिसन समझे तुम टेलीमेडिसिन आपको अगर कभी डॉक्टर के पास जाना है तो यू गो टू डायग्नोसिस राइट आप डॉक्टर के पास जाते हैं ही आप सिम्टम देखता है चीजें कुछ चेक करता है देन सजेस्ट मेडिसिन डूइंग दिस थ्रू द टेलीफोन दैट इज कॉल्ड एज टेलीमेडिसिन दैट इज द होल पॉइंट ऑफ इट पर इन डॉक्टर के पास दिल की दवा नहीं है मेरे दोस्त दिल की दवा किसी के पास भी नहीं है वो दर्द है वो जख्म है उसके साथ ही

ट्रेन एंड ऑन बोर्ड दो लाख बाईस हजार छब्बीस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स ठीक है उन्होंने दो लाख बाईस हजार से भी अधिक जो डॉक्टर्स हैं वो ई संजीवनी नेटवर्क के अंदर उसमें ट्रेन किया हुआ है उनके अंदर वो इंटीग्रेटेड है सो पीपल कैन एक्चुअली कॉल पैंतालीस हजार से भी ज्यादा आयुष मान भारत हेल्थ अकाउंट बना दिए गए हैं वाया ई संजीवनी एप्लीकेशन स्टेट्स क्या है उसके बारे में नहीं मैं एग्जैक्ट देखो पहले मैं समझाता हूँ होता क्या है देखिए क्या होता है गूगल प्ले पर एंड्रॉयड में आई थिंक यू कैन डाउनलोड द ऐप जिसका नाम है ई संजीवनी ओपीडी डॉट इन ठीक है डू यू हैव ऑन योर एंड्रॉइड ई संजीवनी ओपीडी लेटेस्ट चैकेट है या नहीं चेक इट यू नो हाउ टू यू नो वाई एंड हाउ एंड वेन टू लर्न थिंग्स वी चेक दोज थिंग राइट देन एंड देयर दैट माई फ्रेंड इज द की ई संजीवनी ओ पी डी ई संजीवनी ओ पी डी है बिल्कुल है ई संजीवनी ओ पी डी मेरे फोन में नहीं है आपके फोन में होगा अभी खोलना नहीं है इससे प्रोसेस बड़ा रजिस्ट्रेशन होती है टोकन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस हॉस्पिटल का सिस्टम है बिल्कुल वैसा ही लेकिन उन्होंने ऐप पे किया हुआ है मोबाइल नंबर ओ टी पी ये तो ये तो कॉमन है ऐसी कौन सी ऐप है अच्छा एक बात बता दो तो तुम में से कोई चतुर आदमी हो ऐसी कौन सी ऐप है जिसमें ओ टी मतलब लॉग इन नहीं करना पड़ता मतलब या तो मोबाइल फ़ोन से या ई मेल से और फिर वो पासवर्ड से या ओ से यही होता है ना ऐसी कौन सी एक ऐप है जिसमें लॉग नहीं करना पड़ सकता नॉट प्री इंस्टॉल्ड वाली प्री इंस्टॉल्ड में कैलकुलेटर है ठीक है उसमें नहीं करना पड़ता लेकिन टेल मी वन ऐप अगर कोई भी मुझे आज एक बात बताएगा तो मैं आप लोगों को आई आई विल बी वेरी हैप्पी मतलब मेरे पास कोई एक ऐप बता दो जिसमें लॉग नहीं करना पड़ता हर चीज़ पे लॉग करना पड़ रहा है यार हर चीज़ पे लॉग इन टेल मी वाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग इफ यू कैन नेम मी प्लीज़ आई रियली वॉन्ट टू नो गाई इज माई फ्रेंड बताइए नो नथिंग नथिंग यू गर्ट नथिंग पेशेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म टोकन बना देते हैं अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को अपलोड करते हैं पेशेंट आईडी और टोकन मिल जाता है फिर एसएमएस से लॉगिन करेंगे पेशेंट आईडी से लॉगिन करेंगे वर्चुअल वेटिंग रूम जैसे हॉस्पिटल में आप जब कभी क्लिनिक में जाते हैं तो वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है सामने वाला पेशेंट को देख रहा है फिर आप वेट करते हैं कॉल नाउ बटन आ जाता है ऑटोमेटिकली जब आपका स्पेसिफिकली क्लिक ऑन दैट यू वीडियो कॉल विद डॉक्टर आप डॉक्टर से वीडियो कॉल करेंगे और आप उनको बता देंगे कि सर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है मेरे पैर में दर्द हो रहा है इट्स बेसिकली ना कॉम्प्लेक्स नहीं है इट्स अंपल थिंग यू गो टू डॉक्टर

Do it. मतलब मैं कल खुद ही एक बार चेक कर लूंगा दिल की दवा पूछे तो सही भाई मे बी बन गई हो हमें लग रहा है कि दिल की दिल के दुख की दवा है नहीं इनके पास मे बी टेली मेडिसिन से मिलती हो हु ट्राई अ नेशनल टेलीमेडिसन सर्विस दैट्स टू प्रोवाइड एन आल्टरनेटिव टू दी कन्वेंशनल फिजिकल कंसल्टेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म इट्स अ वेरी सिंपल बेसिक आइडिया आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने ई संजीवनी नाम का जो ये स्कीम था ये लॉन्च किया था फैमिली वेलफेयर कॉमन में नॉट कौन करेगा प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नथिंग एल्स टू इट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही बातें याद रखनी जरूरी है ठीक नथिंग है? मच uh, yeah. cool. ठीक है चलिए अगेन uh, अगर आपको एनालिसिस आए इट द अर्बन रूरल डिवाइड एडिटेक और ई संजीवनी में क्या है आप में से जो लोग इस समय किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो कि रिमोट है या फिर बेसिकली वहां पर अच्छी कोचिंग उपलब्ध नहीं, नहीं है अच्छी एजुकेशन उपलब्ध नहीं है यू कैन एक्सेस द बेस्ट टीचर थ्रू इंटरनेट यू राइट राइट बिल्कुल सही बात है आप बेसिकली आपको जो लोग कुछ ऐसे जगह पर रहते थे टीयर टू टाउन में या टीयर थ्री टाउन में गांव में रहते हैं वहां पर बहुत दूर दूर तक बेसिकली अच्छे टीचर उपलब्ध नहीं होते जो कि कई दूसरी जगह पहले जैसे कि मेट्रो में है दिल्ली में है पुणे में है बैंगलोर में है मुंबई में है राइट यू कैन एक्सेस देम नाउ मैं पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो आप में से सिर्फ और सिर्फ चालीस पचास साठ सौ दो सौ लोग मुझसे एक्सेस मुझसे जुड़ सकते थे नाउ वी कैन एक्चुअली यू कैन हैव द सेम क्वालिटी ऑफ द टीचिंग विच एनी अदर पर्सन विल गेट from anywhere in India, wherever you are sitting, the same urban-rural divide, education exist exist health एक्षिस, so doctors quality e apps system होते हैं they will actually जिनके पास access नहीं है medical specialist को access करने का they can do it। वो जो प्रोसेस होता था कि बिहार से चल के एक आदमी एम्स आया है ट्रेन पकड़कर तीन दिन के लिए फिर जाके उसको वो मेडिकल स्पेशलिस्ट से बात करी है उसने आधे घंटे का डायग्नोसिस लिया है दैट कैन हैपन राइट ओवर एट द एप इन फाइव मिनट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली पेशेंट कैन अवॉइड स्पेंडिंग मनी ऑन फ्यूल और वेस्टिंग टाइम इन ट्रैफिक विद वीडियो कंसल्टेशन यार इसमें बहुत सक्सेसफुल लग रहा है मुझे आई थिंक दिस इज गुड दिस इज गुड डॉक्टर के पास जाना इट्स अ पेन इन इट्स अ पेन इन डॉक्टर के पास जाना इज अ पेन इन इट्स अ इट्स अ पेन इन इट्स इट्स अ प्रॉब्लम दुविधा है मैं वही कहना चाहता था जो आप सोच रहे हो परंतु मैंने बोला नहीं और इसलिए काउंट नहीं होगा दुविधा है ई संजीवनी से यहीं पर हो सकता है नो मिसिंग वर्क या डॉक्टर के पास जाने में हमेशा वर्क मिस करना पड़ता है तीन से चार मतलब चाहे उस वहां पर आधा घंटा लगे लेकिन प्रोसेस पूरा तीन से चार घंटे का होता है सो यू विल हैव टू टेक अ हाफ वे टेक अ हाफ डे या तो आद, जो कोविड वाला है वो आदमी ही इंफेक्शन फैला रहा है जिसको कोविड हो गया है. तो इस आदमी को तो इलाज के लिए भी बाहर नहीं था दे, जाने देना चाहिए क्योंकि ये बाहर जाएगा तो ये बाहर इसका इलाज के चक्कर में कुछ और लोग कोई को इंफेक्शन हो जाएगा इन्फेक्शन डिजीजेज होते हैं उनके लिए अगर एक्चुअली में टेली मेडिसिन राइट वीडियो के दौरान हम देख ले सिम्टम सिमटम देख ले डॉक्टर बस प्रिस्क्रिप्शन दे दे इट एक्सपेटिकली विल एक्चुअली हेल्प इन कंट्रोलिंग दैम विजन ऑफ द डिजिटल इंडिया दिस प्लेटफॉर्म्स आर इन लाइव विद द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ द डिजिटल इंडिया नेसेसरी टू टैकल सिचुएशन देखो बात ऐसी है भविष्य है डिजिटल तुम्हारा मेरा विश्व का और देश का सीधी सीधी सी बात है और सारी की सारी चीजें डिजिटल कर देनी है हमने ये हमारा इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है कोई ज्यादा धोखा वोखा कर नहीं पाता है सारी की सारी चीजें चाहे पैसे से हो मनी हो एजुकेशन हो हेल्थ हो वी आर गोना मेक इट डिजिटल और ये डिजिटल इंडिया के बारे में क्वेश्चन आने ही आना है ऐसे आएगा डिजिटल इंडिया पे ऐसे ऐसे आने की संभावना डिजिटल इंडिया के ऊपर मुझे पता नहीं है पर्सनली कि इसका क्या होगा परंतु हमारी सरकार जो है सोच रही है क्या सोच रही है एक प्लान के बारे में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के बारे में यानी कि आपके फोन पे जब नंबर फ्लैश होता है अगर आपने सेव कर रखा है तो उस इंडिविजुअल का नाम आ जाता है लेकिन अगर आपने सेव नहीं कर रखा होता तो यू हैव नो वे टू नो कि किसका फोन है आईसीआईसी वाले क्रेडिट कार्ड का फोन है या किसी और का द थिंग इज दैट कि ये कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन जो है ये आपके फोन पर जो भी कोई फोन करेगा उसका नाम और वो स्पैम है या नहीं है वो बेसिकली शो कर देगा ट्रू कॉलर तो गया भैया क्या करेगा ट्रू कॉलर फिर ट्रू कॉलर इज अगर ये इंप्लीमेंट ट्रू ट्रू कॉलर कॉलर इज इज क्या है इट वुड प्रोवाइड द कॉल्ड इंडिविजुअल विद इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉलिंग पार्टी ठीक है नाम बता देगा और बेसिकली ये स्पैम है या नहीं है ये दोनों की दोनों बता देगा सो आई विल गिव यू अ कॉल जो तुम तो मुझे इंस्टाग्राम पे छोड़ोगे और आपको चाहे आपने सेव तो नहीं कर रखा होगा आपको इमीजिएटली पता चल जाएगा कि अमित वरिदी की लोड इज बेसिकली कॉलिंग यू अब ये काम यूजुअली थर्ड पार्टी ऐप्स करती है ट्रू कॉलर भारत कॉलर है ऐसी जो ऐप्स होती हैं लेकिन इन ऐप्स के साथ मतलब दे आर थर्ड पार्टी दिस वुड बी एक्चुअली बी मोर ऑन ऑफिशियल सिस्टम तो टेलीफोन सब्सक्राइबर है दे आर एबल टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस अबाउट इनकमिंग कॉल्स कब हरेसमेंट बाई अन और द स्पैम कॉल्स स्पैम कॉल्स सुबह सुबह मतलब किसी भी समय मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो कभी ना कभी एक फोन आ जाता है मैं जब क्लास के बाद बाहर जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे एक और नया क्रेडिट कार्ड मिल गया है अभी पूरे 365 दिन खत्म नहीं हुए हैं और मुझे टोटल चार क्रेडिट कार्ड के ऑफर आ चुके हैं बेटा बताओ कितने तुमको चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर फॉरवर्ड कर देता हूं उनमें से किसी को अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्राई जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने अलग अलग प्रकार से कई कई मॉडल सोचे हैं अभी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ थिंकिंग अबाउट इट पहला मॉडल यह है कि हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अपना खुद का एक Calling name identification, जो database है अपने subscriber का उनको मैनेज करना चाहिए ठीक है? तो जो caller की रेलिवेंट डेटा फ्रॉम इट्स ऑन डेटा बेस देन इट वुड बी सेंड टू पोटेंशियल रिसीवर भाई आपने एयरटेल का फोन लिया हुआ आपने जियो का फोन लिया हुआ जब आपने ऐसा किया था तो आपने अपना पूरा का पूरा डेटा नाम सबमिट किया होगा जब आप उनके कस्टमर केयर पर फोन पर बात करते हैं तो वो आपका जो डेटा है कि हाँ ये अमित कि लोहोर है अमित वरिदे कि है और डेटा है इन्होंने कौन सा रिचार्ज कराया और समथिंग सो दे आर सेइंग कि हर एक टेलीकॉम जो सब्सक्राइबर है जो भी आ, क्या कहते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल हो गया जियो हो गया वोडाफोन जो है इन सबको एक डेटा कलेक्ट कर लेना चाहिए और जब भी कोई कॉल करे तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन उसके साथ सेंड करे एक तो ये इनके पास तरीका है दूसरा ऑपरेटर ऑफ द कॉलिंग एंटिटी शेयर्स इट्स सीन डेटाबेस विद द रिसीवर्स ऑपरेटर उल्टे तरीके से करे एयरटेल वाला कॉल कर रहा है तो एयरटेल वाला करे या फिर रिसीवर वाला कॉल कर रहा है बेसिकली द सेम चीज है कि कौन रिसीवर करेगा या फिर बेसिकली सेंडर करेगा कौन सा एक तीसरे वाला ऑप्शन जो है थर्ड पार्टी वाला थर्ड मॉडल जो है एक थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग ए सेंट्रलाइज डेटाबेस ठीक है सारे के सारे बेसिकली ये है कि रिसीवर का जो ऑपरेटर है डेल्व इन टू देंट्रलाइज डेटाबेस टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट दॉलर डेटा अब ये है कि सारे के सारे डेटा को कोलेक्ट किया जाए एक जगह पे और उसके बाद एक थर्ड पार्टी ये टेक्निकलिटी है आपको इसके बारे में सोचना समझने की कोई आवश्यकता नहीं है ना ही आपको ये आंसर में कभी मेंशन करना पड़ेगा ठीक है डोंट वरी अबाउट इट बट ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था कि राइट नाउ द गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू डू समथिंग क्या करने की कोशिश कर रही है कॉलर नेम आइडेंटिफिकेशन का एक प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि आपके पास जो भी कॉल्स आए आपको पहले से ही उसकी डिटेल्स मिली हो रीजन क्या है यार इंडिया इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट पॉपुलेशन इतनी हमारी फोन तो सबसे ज्यादा हमारे पास होने ही चाहिए होंगे ही कहां जाएंगे हम फोन नहीं यूज करेंगे तो 114 करोड़ वायरलेस सब्सक्राइबर हैं और अभी अभी सिस्टम यह है जो भी हम फोन आता है भी हमें ना नाम पता चलता है ना बंदे की आइडेंटिटी पता चलती है उठाने के बाद इमीजिएटली पता चलता है कि आपके लिए एक नया क्रेडिट कार्ड बनकर तैयार हो गया कितने होते हैं देखो दो सर्वे हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल सर्वेस्ट थ्री स्पैम ने भी खुद सर्वे किया था 2021 में ग्लोबल स्पैम और स्पैम रिपोर्ट। कहा कि इंडिया में on an average एक महीने में इंडिया ने ऑन एन एवरेज एक महीने में सोलह कॉल आ जाती है झूठ बोल रहे हैं ये दे जस्ट लाइक टू अस सोलह स्पैम कॉल्स तो मेरे को एक दिन में आ जाती है दोनों नाम बता दो तो एक तो हैथवे वालों की आती है उनका कभी यार 2017-16 में मैंने गलती से एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया था दो सोला में लिया था और 2016 में ही छोड़ दिया था भाई वो आज तक मानते ही नहीं ब्लॉक कर दिए मतलब स्पैमर है वो देश के सबसे बड़े हेथवे वाले और दूसरा ही आईसीआईसी वाले इनको लिख के भी भेजा भेजाया मैं। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए तुम्हारा कार्ड मेरे पास है ही नहीं मैं करता ही नहीं क्रेडिट तो तुम क्यों दे रहे हो इट्स अ इट्स अ प्रॉब्लम

रिलाय ऑन इन बिल्ड फीचर या फिर बेसिकली ट्रू कॉलर व्यू कॉलर लेकिन यार वो भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते और इन्फॉर्मेशन देते तो नंबर बदल लेते हैं ये लोग तो दैट इज अ प्रॉब्लम इस चीज को सॉल्व करने के लिए नैप कॉलर नेम आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन अगेन अब जो तुम सोच रहे हो वो मेरे दिमाग में तुमसे पहले आया था कि सर इसका नाम है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन राइट सर तो, caller ID, caller ID. तो यह नया नाम बेटा इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इनके दिमाग में आया इन्होंने कर दिया मैं खुद इस बात से परेशान घूम रहा हूं सुबह से कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन की शॉर्ट फॉर्म सी एन पी होनी चाहिए यह नेम का एन ए और बाकी सबका एक एक वर्ड क्यों निकाल रहा है बेटा मैं मैं आप लोगों के इसमें मेरे साथ मेरे आपके साथ सहानुभूति है स्वयं मैं स्वयं इस बात के बारे में मुझे नहीं पता बेटा क्यों किया इन्होंने वुड दे डू समथिंग लाइक दिस जीरो आइडिया और कॉलर आईडी पहले से एग्जिस्ट करता है वो शब्द कॉलर आईडी सर्विसेज बोल दो पर नहीं इनको नया शब्द चाहिए था होता है वी कैंट डू एनीथिंग अबाउट इट सवाल ये है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है अगर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो भी जाए तो स्पैम बंद हो जाएगा मैं कोई उठाऊंगा ही नहीं उनके हेथवे वाले आज के बाद दिख रहा है दूर से मुझे का गुड प्लान लेकिन इससे कॉल में लेटेंसी आ जाती है न्यू डेटा एक नया डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा कॉल के द्वारा नाम है उसका स्पैम है यानी स्पैम है जिसकी वजह से बहुत सारे फोन्स होंगे कई सारी प्रॉब्लम्स सा आ जाएंगी थोड़ी सी कॉल डिले होनी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है सबसे पहले जाएंगे खत्म हो जाएगी और प्राइवेसी प्राइवेसी इन द सेंस हमारी नहीं मतलब उनकी नहीं हमारी भाई मुझे नहीं बताना किसी को नाम कॉल करते वक्त किसी को मैं नहीं बताना चाहता मेरा नाम यार अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोको की मम्मी

मैं किसी किसी पे पे कॉल 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 कर 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 दिया कर दिया दिया मैंने शॉप केक मंगाने के लिए कुछ कर दिया. अब मैं नहीं चाहता ना मेरा नाम जाए सरप्राइज था कोको का को, को केक लेकिन नहीं ये नाम बता देंगे सबको सो so, प्राइवेसी का एक के साथ है बिल्कुल सक्सेसफुल so, uh, so है, कि है. Hmm, ये कोई खास आपके लिए यूजर फ्रेंडली अच्छा सा वो बनाना चाहिए. So बाकी आप में से कितने लोग स्पैम से परेशान है और रजिस्ट्री तो हो जाती है, do not disturb registry, जिसके जो है उसमें कोई भी जो कॉलर है रजिस्टर्ड जो ये टेली कॉलर तो होते हैं वो कॉल नहीं करते पता नहीं उसका क्या हुआ वट इवन हैपन विद क्यों क्योंकि हर महीने इसमें रजिस्टर कर लेता हूँ लेकिन मेरे पास स्पैम कॉल बंद नहीं है बेटा परेशानी का मुद्दा है और कोई अगर हो सके तो ये हैथवे वालों का बंद करवाओ यार अगर कोई आप में से कोई हैथवे में जॉब अप कर रहा हो इट्स 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 अ पेन इन इट्स अ पेन इन इंडिया ने प्लेज किया है कि वो ग्लोबल साउथ ग्लोबल दक्षिण की आवाज बनके उभरेगा आवाज का प्रतिनिधि करेगा क्योंकि अभी-अभी इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है प्रसाइसली G20 आपने देखा होगा मैंने आपको बताया भी था जो कि फनी बात थी फनी बात ये थी कि भारत इस समय जी ट्वेंटी का जी ट्वेंटी एक ग्रुप है ग्रुप ऑफ ट्वेंटी उसका बेसिकली प्रेसिडेंट है अगले पूरे साल के लिए और उसकी प्रेसिडेंसी चलती कैसे है एक दिसंबर से तीस नवंबर तक कंप्लीट नॉनसेंस फाइनेंशियल ईयर चल रहा है एक अप्रैल से लेकर इकतीस मार्च तक हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है एक जनवरी से लेकर इकतीस दिसंबर तक इनकी प्रेजिडेंसी अलग ही फॉलो कर रही है कुछ और ना ल्यूनर कैलेंडर ना इंडियन कैलेंडर ना वेस्टर्न कैलेंडर मतलब ना फाइनेंशियल कुछ और है इनके मन में बट है चलो यह बात याद करेंगे दिसंबर सो इंडिया इस समय जी ट्वेंटी के प्रेजिडेंट है तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मिला है वर्ल्ड स्टेज मिली हुई है वेयर वी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर वैल्यूज या फिर हमारी जो आइडियोलॉजी है हमारा जो एजेंडा है विश्व के लिए वो क्या है इसमें इंडिया ने यह कहा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरेंगे अब ग्लोबल साउथ होता है देखो क्या होता है अलग अलग टर्म्स आएंगे आपके जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे आप जब आप थोड़ा सोसाइटी के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे अब वो ब्रॉड कैटेगरीज में देशों को डिवाइड करता है दो बेसिक डिस्टिंक्शन पे जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा ईस्ट वर्स इज वेस्ट का राइट right? तो ये वेस्टर्न कंट्रीज जो है प्राइमरली स्पीकिंग एक तो क्योंकि वो पश्चिम में है यूरोप के वाले और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा वाले पश्चिम और ईस्ट चाइना हो गया जापान हो गया इंडिया हो गया साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हो गए अब कमाल की बात देखिए ये थोड़े से ना एम्बिगुस होते हैं अब वेस्ट अफ्रीका को नहीं कहते हमारे तो वेस्ट में ही है अफ्रीका हमारे कौन सा वो ईस्ट में है। वेस्ट में ही पड़ता है इंडिया के अफ्रीका लेकिन उसको नहीं बोल रहे साउथ अमेरिका भी हमारे वेस्ट में पड़ रहा है लेकिन उसको नहीं बोलते वेस्ट बोला जाता है सो दैट मीनस द डिवलप्ड कंट्रीज विच आर इन वेस्ट विच इज फनी रीजन फनी बींग क्योंकि हम उन डेवलप्ड कंट्रीज के वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में ही हैं हम अगर देखा जाए तो अर्थ तो गोल है ना हम वो जो मैप देख रहे हैं हैव टू फिगर आउट समथिंग बात करने के लिए जरूरत पड़ता है तो वेस्ट वर्सेस ईस्ट दूसरा आपने यह शब्द भी सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड डिफाइन करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वो कंट्रीज होती हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ यूएसए uh, की आइडियोलॉजी फॉलो करती है राइट सेकंड वर्ल्ड वो कंट्रीज होती थी ये कोल्ड वॉर के समय के शब्द हैं तो सेकंड वर्ल्ड वो वाली कंट्रीज होती हैं जो कि यूएसएसआर को सपोर्ट करती हैं, सोवियत यूनियन को सपोर्ट किया करती थी काइंड ऑफ कम्युनिस्ट के सपोर्टर थे फर्स्ट वर्ल्ड इज बेसिकली द डेवलप्ड वन द कैपिटलिस्ट जिसको सपोर्ट करते थे और ये थर्ड वर्ल्ड जो कि बेसिकली नॉट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं और इन दोनों में से किसी भी गुट का बेसिकली साथ नहीं है इसी तरीके से एक तीसरा वर्ड आया है कंट्रीज को डिस्कस करने के लिए ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ तो जैसे ईस्ट और वेस्ट था ये तो हमने यूज कर लिया था बची हुई दो डायरेक्शन थी हमारे पास ईस्ट कर लिया वेस्ट कर लिया सो so ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया तो वेस्ट में हमने देखा कि ये, ये यूरोप वाले जो कंट्रीज हैं वेस्ट में ये बड़े डेवलप्ड हैं और ईस्ट वाले जो हैं वो स्लाइटली लेस डेवलप्ड है बड़ा दुख हुआ दो डायरेक्शन बची हुई थी हमारे पास नॉर्थ और साउथ पे इन उन, इन पे भी हमने एक पॉलिटिकल वर्ड बना दिया ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ अगेन ये जो वेस्ट है इनको हमने ग्लोबल नॉर्थ बोल दिया और जो उसके बाद ये अफ्रीकन वाली और जो ये क्या कहते हैं साउथ अमेरिकन वाली और जो साउथ एशियन वाली है इनको हमने ग्लोबल साउथ कह दिया द ग्लोबल नॉर्थ इज द डेवलप्ड वन ज्यादा डेवलप्ड है ज्यादा प्रॉस्पेरस है एंड द ग्लोबल साउथ इज द अंडर रिप्रेजेंटेड वन अब ये जो वर्ड है ये यूज़ुअली ग्लोबल साउथ द वर्ड इज यूज़ुअली यूज़्ड इन ऑफ द अंडर रिप्रेजेंटेशन ठीक है ईस्ट और वेस्ट जो होता है वो कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में होता है वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर द इज ए डिफरेंट बिटवीन देख ठीक है ओरिएटल और ऑक्सीडेंटल ये कल्चर के कॉन्टेक्स में होता है फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड ये इकॉनमी के कॉन्टेक्स में जनरली यूज किया जाता है इकॉनॉमिक आइडियलॉजीज के बेसिस में कॉन्टेक्स में यूज किया जाता है एंड द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ जनरली यूज किया जाता है रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबल नॉर्थ आर कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेड हैं और ग्लोबल साउथ आर कंट्रीज जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेड नहीं है और क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरह रिप्रेजेंटेड नहीं है उनका प्रतिनिधि करने का प्लेज लिया है भारत ने ग्लोबल नॉर्थ और साउथ एक ग्रुपिंग है कंट्रीज की जो कि वेल्थ इंडिकेटर ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर को मेजर करती है सो ग्लोबल नॉर्थ इज द रिचर वन उनके पास पैसा अच्छा प्रॉस्पर है डेवलप्ड कंट्रीज है इंडिकेटर्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बेसिकली ऊपर आते हैं और इनके साथ सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर ये है कि ये जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज थी इनको इन्हीं नॉर्थ वाली कंट्रीज ने कभी ना कभी कॉलोनाइज किया था एग्जैक्ट नहीं करना ठीक है अब यूएसए वॉज ऑल्सो कॉलोनाइज बाई द ब्रिटिश बट यूएसए अब ग्लोबल नॉर्थ में आता है बट यू गेट द आइडिया

लिटरल साउथ में उनको भी क्योंकि वो बहुत रिच है <laughs> तो उनकी डायरेक्शन पैसा क्या नहीं कर सकता बेटा पैसे ने डायरेक्शन बदल दी जो देश दक्षिणी देश हैं वो दक्षिणी सदर्निस्फियर के अंदर है वो भाई जस्ट बिकॉज की दे आर डेवलप्ड उनको ग्लोबल साउथ की जगह ग्लोबल नॉर्थ में इंक्लूड कर दिया गया डिस्पाइट हैविंग हायर पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन द ग्लोबल फॉर्म्स लाइक यूनाइटेड नेशंस डब्ल्यू एंड ऑल स्पेसिफिकली तो इस टर्म का यूज किया गया है इसी चीज की जो हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन है इंटर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करने के लिए यूएन हो गया ना इनमें से किसी के पास ग्लोबल साउथ के किसी मेंबर के पास परमानेंट मेंबरशिप नहीं है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सो दिस इज ऑब्वियसली प्रॉब्लम और जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ स्लो भी हुई है बट अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं सुनिए मेरी बात ध्यान से इंडिया प्लेज टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ राइट जो एक्चुअली में ग्लोबल साउथ है यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज होगी या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज होगी वो ये कहती है कि इंडिया और चाइना तो इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है तो उनको कोई साउथ क्यों बोल रहे हो वाई आर दे रिलेबल्ड एज ग्लोबल साउथ दे आर गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज वी आर दी मार्जिनलाइज बट ने इंडिया लीड दम सो एक क्वेश्चन ऐसे दस नंबर का या पंद्रह नंबर का क्वेश्चन इज इंडिया Bound to become the voice of the global south on the international stage. Is can you can you put can you can you give me some pointers? Simple titles start now. Uh, After the G twenty presidency, the India has pledged to become the voice of the global south. Then you define global south. Global South is basically the countries which have been not represented very well in the international organization and so on and on.

डिश एंटीना जो लगे हुए हैं इट इज़ बेसिकली यूज टू सर्वे ओशियंस एंड स्टफ ये सिर्फ और सिर्फ ओशियंस और ऐसी चीजों को सर्वे के लिए बनाया जाता है चाइनीज सर्वेलेंस वेसल हैज री एंटर्ड ओशियन अब यहां पर क्या है कि इंडिया कुछ दिनों के बाद लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का टेस्ट भी करने वाला है ये पहले एक बार अगस्त में भी आया था जिसकी वजह से हम अगस्त में बेसिकली क्या नाम है जो श्रीलंका है श्रीलंका के पास जाके श्रीलंका के हमन तोता पोर्ट पे डॉक भी हो गया था

इस शिप का पर्पस ही बेसिकली स्पेसिफिकली सर्वेलेंस है जो दूसरे कंट्रीज लॉन्च करते हैं रॉकेट लॉन्च करते हैं मिसाइल्स लॉन्च करते हैं स्पेसिफिकली तो so, इस करंट अफेयर में कुछ ज्यादा जानने वाले बात नहीं सिर्फ यॉन वैंग फाइव का नाम जानना जरूरी है ठीक है जस्ट अंडरस्टैंड इट बाकी इसकी न्यूज अभी आगे आने वाली है तो हम जब लॉन्ग रेंज बेलिस्टिक बलिस्ट, मिसाइल्स का टेस्ट करेंगे तो वी विल एक्चुअली हैव हाँ टू लर्न मोर अबाउट इट ठीक है चाइना की प्रेजेंस बेसिकली 2008 में इंडियन ओशन में उन्होंने 2008 के अंदर एंट्री करना स्टार्ट किया था इस बहाने से कि बेसिकली एंटी पायरेसी ऑपरेशन की उनके जहाज हैं जो कार्गो के जहाज हैं उस पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं सो वी वांट टू प्रोटेक्ट तो इनके नेवी के जहाज इंडियन ओशंस के अंदर एंटर करने लगे सिंस देन दे हैव मेंटेन कंटिन्यूस प्रेजेंस इन द रीजन कभी कभी इवन डिप्लॉइंग देयर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कोई पायरेट्स को न्यूक्लियर सबमरीन से थोड़ी ना रोकेगा

दिस इज पाकिस्तान और दिस इज म्यांमारेक सेंस इसका नाम है जिबूती, नॉट डी नॉट डी इज जिबूती. मतलब निमोनिया मतलब साइकोलॉजी तो हमारे जो अंग्रेजी के अध्यापक है वो हमें उपचार देते कि ये लेटर साइलेंट है क्यों लाइक वी शुड रिमूव इट साइकोलॉजी ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो कौन मतलब हुट इट देर दिस लेटर इज साइलेंट देर इज साइलेंट दी इज साइलेंट इन साइकोलॉजी द डी इज साइलेंट इन जीजूती हुए ब्लेम करते लेटर जीबूती में डी खुद आके खड़ा हो गया और अब वो साइलेंट है वी आर नॉट यूजिंग इट हम लिख रहे हैं हम नहीं बोल रहे हैं अब नोटिस इंग्लिश के जो अध्यापक होते हैं वो साइलेंट लेटर पढ़ाते न्यूमोनिया में ना पी साइलेंट है ओके okay. साइकोलॉजी में पी साइलेंट है डी जीबूती में डी साइलेंट है एज इफ दे आर ब्लेमिंग द लेटर कि लेटर चुपचाप से खुद आगे खड़ा हो गया है और वो अब साइलेंट है लेटर थोड़ी ना साइलेंट हो सकता है यार आप स्पेलिंग लिखो ही मत आप इसकी स्पेलिंग जीबूती ही लिखो जब इसको बुलाना ही जीबूती है मानिए मिस अमित अब मैं इसमें ए वरीदी इसमें कोको अमित अब मैं बोलू कोको साइलेंट है माय नेम इज अमित लेकिन स्पेलिंग ऐसे दिस वुड बी वियर्ड राइट देन आर वी आर देम टू डू विद दिस वर्ड्स फॉर्ब्स एशिया हीरोज़ ऑफ द लिस्ट अडानी जी के बारे में एक बात बताता हूं आपको मैं उनको एशिया के हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोफी लिस्ट में हमारे देश से सिर्फ तीन लोग हैं उनको स्थान दिया गया है फर्स्ट इज बेसिकली बिले गौतम अडानी दूसरे शिव नादर एंड अशोक सूता। गौतम अडानी जी ने देखिए सुनिए ध्यान से सुनिए बात को वॉज लिस्टेड फॉर हैविंग प्लेज मेकिंग इन वन ऑफ इंडिया गौतम अडानी जी ने यह प्लेज किया है कि साठ हजार करोड़ रुपए चैरिटी में फिलेंथ्रॉफी में सोशल कॉजेज के लिए यूज किया सिक्सटी थाउजेंड करोड़ आई जस्ट रिपीट नॉट सिक्स करोड़ आप में से और मुझे दोनों को अगर सिक्स करोड़ रुपीज मिल जाए आई थिंक वी विल विल रिटायर सेटल दैट इज हाउ थिंकल उसके बाद चाहिए क्या जीवन में सिक्सटी करोड़ मिल जाए तो रिटायरमेंट की तो छोड़ो इट वी विल स्टॉप टॉकिंग टू पीपल बिकॉज वी वोट नीड द मेनी मोर वील बाय न्यू फ्रेंड्स छ सौ करोड़ मिल जाए आई डोंट इवन नो वट है छह हजार करोड़ में साठ हजार करोड़ अदानी जी ने चैरिटी में दे दिए हेल्प पीपल टू हेल्प पीपल इज़ इज़ हाउ इट डन ठीक शिव नादर ही आल्सो इज अगेन वन ऑफ द टॉप डोनर्स इन इंडिया हैविंग चैनल अप्रोक्सिमेटली वन बिलियन डॉलर इन्होंने भी सात आठ हजार करोड़ रुपए दे रखे हैं सात हजार आठ हजार के करोड़ रुपए उन्होंने साठ हजार दिए इन्होंने सात सेवन हजार दिए अशोक सूता ही प्लेस्ड रुपी सिक्स हंड्रेड करोड़ टू द मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट करोड़ देखो करोड़ में सेटल है सब और साठ करोड़ में तो लोगों से बात करना ही बंद कर सकते हैं और जो भी फ्रेंड्स है हम उनसे भी बात करना फर सकते हैं बिकॉज वी डोंट नीड द मनी बोर्ड न्यू फ्रेंड फॉर मनी विच कै गॉट सिक्स हंड्रेड करोड़ में से तो छे हजार करोड़ में I I, इमेजिनेशन खत्म हो जा रही है सिक्स हंड्रेड पे आई डोंपन थाउजेंड एटीमोगा सुनिए ध्यान से सुनिए अच्छा है ये जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है प्लीज मजाक की बातें छोड़ते हैं काम की बातें करते हैं सुनिए दिस इज इंपॉर्टेंट ओके okay. मर्ड फ्लैट्स और टाइडल फ्लैट जोग्राफिकल एक फिनोमिना है ठीक है इट दिस इज जोग्राफिकल थिंग ठीक है क्या होता है

ठीक है इस चीज को कहते हैं मड फ्लैट्स नाउ दिस इज व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मड फ्लैट एंड मैंग्रोस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम ये जो मड फ्लैट्स हैं देखो मैंग्रोस के अगर आपने लास्ट के दस साल के पीवाई पीवाईक्यूज देखे हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी को मैंग्रोव से बड़ा अधिक प्यार है आते हैं इस पर सवाल रेगुलरली जितने नहीं आने चाहिए उससे ज्यादा आए हुए दे लव इट फॉर सर्टेन रीजन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम होता है अब ये मैग्रोव के साथ एक ऐसी चीज है नई चीज बता रहा हूं जो कि पहले आपने जनरली जोग्राफी है मैंग्रोव के साथ एसोसिएटेड होते हैं मड फ्लैट्स इस फोटो में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहीं पर नोटिस कीजिए कि वहां पर पीछे होपफुली दे आर बेसिकली दी मड फ्लैट्स जो है दे आर मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव मड फ्लैट्स मर्ड फ्लैट्स और मैंग्रोव्स ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम करते हैं दे सर्व टू प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड्स फ्रॉम द इरोडिंग फोर्सेस नेचर एंड आल्सो प्रोवाइड एन इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर द शोर बर्ड्स तो जो किनारे पे समुद्र के किनारों पर ये जो पक्षी होते हैं वो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैबिटेट होता है ये मर्ड फ्लैट वाला नाउ आई टॉक अबाउट इट एटी मोगा मर्ड फ्लैट्स क्या है भाई एटी मोगा मर्ड फ्लैट्स जिनकी फोटो आपने देखी थी बेसिकली ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे भारत की जो ईस्टर्न कोस्ट लाइन है ये आंध्र प्रदेश वाली ठीक आंध्र प्रदेश के बारे में ही बात कर रहे हैं दे आर वन ऑफ दी लास्ट सर्वाइविंग मर्ड फ्लैट ऑन दर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया बात ध्यान रखिएगा इट इज स्प्रेड ओवर एन एस्टिमेटेड फाइव हंड्रेड हेक्टेयर एडजेसेंट टू दी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके बारे में बात करेंगे कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आपको सीधा लोकेशन के ऊपर ले जाते हैं देखिए आंध्र प्रदेश दिख रहा है क्या है ये कोरिंगा यहां पर क्या पाए जा रहे हैं मड फ्लैट कंटिन्यूएशन ऑफ कुंभा किशेम कुंभा किशेकम मर्ड फ्लैट्स विच बीन रेज एटिमोगा मर्ड फ्लैट हैज द इंडियाज प्राइम डेस्टिनेशन फॉर द ग्रेट नॉट ग्रेट नॉट क्या होता है ये चिड़िया का नाम इन्होंने ग्रेट नॉट रखा हुआ है ग्रेट uh, नॉट क्या ग्रेट किया इसने वन uh, 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 जो एथम्योलॉजी होती है नाम जब रखे जाते हैं तो हमने एक पक्षी का नाम देखा था राजस्थान द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आई विल मिस प्रोनाउंस इट वन डे उट इट सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ग्रेट क्यों लगाते कौन सा ऐसा पक्षी होता है ना क्यूट बट वाई ग्रेट ग्रेट नॉट इसका दिस इज फाउंड इन दीज मठ फ्लैट जो कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास मिलते हैं काफी हेवन है बारे में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वही बतक है शायद बतक नहीं है ये ग्रेट नोट चिड़िया है एक प्रकार की लोकेशन नेस्लिंग ऑन दी डेल्टेक ब्रांच ऑफ द गौतमी गोदावरी रिवर्स एट काकीनंदा बे ऑफ द आंध्र प्रदेश ठीक है ये आंध्र प्रदेश की कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है

एक फैक्ट आज जो हम याद करेंगे वो ये याद करेंगे कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश की जो है वहां पर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट स्ट्रेच है आफ्टर द सुंदरबन ये तो याद है डर पक्का फोना इट इज होम टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट बैक वल्चर एंड द लॉन्ग बिल्ड वल्चर ठीक है बाकी कोई बात नहीं रिलैक्स देखें यू वॉन्ट टू सी आई वॉन्ट टू सी बिकॉज आई गेट एक्साइटेड वाइट बैक्ड वल्चर मुझे लग रहा है कि जो ये वाइट बैक्ड वल्चर वल्चर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसका जो बैक है वो वाइट कलर का होता होगा आई डोंट नो आई फील आई एम गेटिंग अ फीलिंग वाइट बैक्ड वल्चर का जो बैक होगा वहां पर प्रॉबली क्योंकि उसके बैक सफेद कलर का होगा राइट डिड आई गेस इट और नॉट राइट लकी मी लकी मी सेकंड वाला लॉन्ग बिल्ड वल्चर लॉन्ग बिल्ड वल्चर मुझे जहां तक लगता है शायद इस वल्चर की जो चोच है वो थोड़ी सी लंबी होती होगी डू यू थिंक आई एम जस्ट मेकिंग ए गैस एयर लॉन्ग बिल्ड वल्चर या एग्जैक्टली मेक सेंस या सी गर्दन काफी वो लॉन्ग बिल्ड वल्चर हाउ डिड आई नो जीरो आई जस्ट मेड अ अ गेस कैन यू मेक गेस अगर आपको अपने प्रीलिम्स में सक्सेस चलानी है तो कैसे मिलेगी आई विल टेल यू और दिस इज अ गेस व्हिच यू हैव तो टू डू क्योंकि मैं दो कर चुका हूं सक्सेस <laughs> <laughs> स्पेलिंग गलत ना हो जाए इसीलिए रिफ्रेश कर लेते हैं मुद्दे को

यू विल हैव ए वेरी क्विक रिविजन ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स सारे के सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स पॉलिटिक हिस्ट्री इकॉनॉमी जो भी जितने भी प्रेलिम्स में आते हैं एंड देन दिल बे स्लाइट रिविजन ऑफ द करंट अफेयर्स ऑल्सो अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो कि यार एक कोई क्विक रिविजन सब एक बार मुझे दे दे, दे तो मैं अपने खुद कर सकता हूँ थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाए तो सो दिस इज द कोर्स फॉर यू जो कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगेन okay. मैं ये तो बता रहा हूं कि हमारे पास आप ये एसआईपी ज्वाइन कर सकते हो उन्नीस से क्लास स्टार्ट होंगे तो मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि ये इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं मतलब हंड्रेड रुपीज का नहीं है अगर आप चाहें तो इसको अमित लाइव राइट हाउ मेन यूर फैस अमित लाइव अगर आप चाहें तो इसको अमित लाइव लेके यू अप्लाई टू इट एंड इट विल सिक्स थाउजेंड रुपीज फॉर थ्री कोर्स पूरा का पूरा प्रेलेंस रिवीजन सारा का सारा, सारा स्टैटिक इट इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू यू मतलब विल गिव जो आपका समय डर में कंफ्यूजन में प्लान बनाने में जा रहा है करें, क्या करें क्या ना करें वो जो प्रॉब्लम है दैट वुड एक्चुअली बी सॉल्व बाय दिस एनीथिंग एल्स माय फ्रेंड यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन दिस कहा बोला इंस्टाग्राम हैंडल और इसके पी विल बी ऑन दिस टेलीग्राम हैंडल आई विल बी हेयर टूमोरो नाइन ओ कल मुझे याद कर, दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कल हम सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे नौ बजे कितने बजे नौ बजे शाम को नाइन पी फॉर डेली करंट अफेयर्स टुमारो इज़ फ्राइडे हैव ए नाइस डे